आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। घर से नाराज होकर 15 साल के रचित को आज मुखबिर के सूचना पर कोतवाली के एसएसआई दयाशंकर सिंह ने टीम गठित करके मुजफ्फरपुर के मुडना तहसील में एक आटा की चक्की पर छापा मारकर सकुशल बरामद किया। रचित ने पूछताछ में बताया कि वह घर से नाराज होकर अपने दोस्त के साथ दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन बुढ़ाना में चक्की मालिक ने हमको बंधक बनाकर काम करवाता था। रचित को सकुशल बरामद करने में एसआई अनिल सिंह, आर्ची जंग बहादुर का विशेष योगदान। अपराध संख्या 518/17 धारा है, 363 का गुमशुदा लड़का है हर्ष मोहन उर्फ रचित। पिता का नाम उमा शंकर मिश्रा, ग्राम बछवल का था। मुखबिर की सूचना पर वहाँ मुजफ्फरनगर से बुढ़ाना कस्बे से ले आया गया। कई महीने तक आप रहे? ये 3 महीने, 7 नवंबर से है। सीतापुर में एक सड़क हादसे में सामने आ रहे ट्रक ने मारी मोटर बाइक को टक्कर। बाइक सवार शाबान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य कमलू बुरी तरीके से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही चुंगी चौकी प्रभारी ने कल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घायल कमलू को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शहर कोतवाली इलाके के रामलीला मैदान के सामने की सड़क पर यह हादसा हुआ है। सर, जो एक्सीडेंट हुआ है, क्या कंडीशन थी और कैसे क्या हुआ? उसमें एक बच्चा जो है उसमें तो ब्रॉड डेड ही आया था एक्सीडेंटल, और एक के पैर में चोट है, उसका इलाज है, हो रहा है और बहुत भर्ती। उसकी कंडीशन कैसी है? स्टेबल। जिला सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिठवल में प्रधानमंत्री का सपना 2025 तक टीवी मुक्त हो देश अपना कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ल ने टीवी संबंधी जानकारी एएनएम, आशा बहू और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टीवी के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर 2 सप्ताह तक भूख ना लगे और लगातार बलगम के साथ खांसी आए और निरंतर वजन कम हो, ये टीवी के लक्षण हो सकते हैं। सरकार टीवी मुक्त कराने के लिए गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक कर और किसी व्यक्ति को टीवी हो तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर फ्री इलाज किया जा रहा है। सरकार द्वारा 3 दिन टीवी की दवाई सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को दी जाती है। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को किस तरह जागरूक करते हैं या आपके जागरूक करने का तरीका क्या है? जागरूक इसके लिए जो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, क्षय रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है 24 फरवरी से 10 मार्च तक, जिसमें हम लोगों का जो मिठवल ब्लॉक का टारगेट है 35,000 पेशेंट के हम लोग बलगम जांच करेंगे, जिसमें लगभग 35,000 जनसंख्या में हम लोग जांच कर रहे हैं, जिसमें 700 लोगों की बलगम जांच होगी, जो हमारा टारगेट है 35,000 का टारगेट है, जिसमें 700 लोगों की हम जांच करेंगे। और हम अनुमान मान करके चलते हैं कि हमारे लगभग जो है इसमें 30 केस पॉजिटिव हमको मिलेंगे। हर दे मतलब प्रत्येक एक मरीज जो है टीबी का, वो लगभग 10 से 15 लोगों को टीबी का रोगी बना सकता है। अच्छा, इसके कुछ उपाय बारे में बताएंगे कि जिसको टीबी ना हो ऐसा कुछ करें? टीबी के लिए जो है अगर किसी को उपाय तो यही है कि जैसे मान लिया इसका जो मेन एक लक्षण होता है, सबसे पहले तो हमें लक्षण जानना होगा कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही हो, बलगम निकल रहा हो, बलगम के साथ खून आ रहा है, भूख न लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए सस्पेक्ट किया जाता है कि टीबी हो सकता है, तो इन लोगों की जांच कराई जाती है। बलगम की जांच एक ऑन द स्पॉट जिस समय मरीज आता है उस समय लिया जाता है, और एक दूसरा कप उसको दिया जाता है कि सुबह का बलगम लेकर के आता है, और तीसरा जिस समय माइक्रोस्कोपिक सेंटर पे आता है वहां पे लेते हैं, उसके बाद जांच करने के बाद उसमें जो भी रहता है पॉजिटिव या निगेटिव उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। जिला सीतापुर पुलिस ने 4 दिन पहले हुए डबल मर्डर का खुलासा किया है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे को गिरफ्तार भी कर लिया। हत्या का मुख्य कारण अवैध संबंध होना बताया गया है। गौरतलब है कि बीती 18 फरवरी को मोहली थाना इलाके में मुड़िया गांव में खेत के किनारे 2 युवकों के शव बरामद हुए थे। दोनों के सर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। इसी मामले में पुलिस ने गाँव के ही गुड्डू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में खामोश रहने के बाद पुलिस की सख्ती के चलते गुड्डू ने बताया कि हत्या के मामले में वो
बालक 22 महीने से जेल में था। इसी बीच गांव के ही छैल बिहारी से उसकी बीवी के नाजायज संबंध हो गए थे। जेल से वापस आने पर जब उसको मालूम हुआ तो उसने छैल बिहारी को समझाया, छैल बिहारी नहीं माना। इसी बात को लेकर गुड्डू ने उसकी हत्या करने की साजिश रची। 17 फरवरी को गुड्डू ने शराब पिलाने का लालच देकर उसे गाँव के बाहर बुलाया, लेकिन छैल बिहारी अकेला नहीं आया बल्कि अपने एक साथी सचेंद्र को भी साथ ले गया। दोनों को नशे में देख कर गुड्डू ने पहले छैल बिहारी के सर पर बांका मारकर हत्या कर दी, फिर सतेंद्र को भी उसी तरह से कत्ल कर दिया। दो हत्या की घटनाओं का खुलासा हुआ है और जिसमें उससे संबंधित हत्या के अभियुक्तों को पुलिस ने रिकवरी के साथ जो है गिरफ्तार किया है। बहौली थाना क्षेत्र में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी जिसमें गुड्डू उर्फ मोटू राजाराम सन ऑफ राजाराम राठौर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इसने घटना का स्वीकार करते हुए ये बताया कि उसके घर पे जो अभियुक्त है जो मृतक है उसमें से छैलू का आना जाना था, इस बात से वो काफ़ी नाराज़ था और इस बात को लेके पति पत्नी में कई बार विवाद भी हुआ था। इसी रंजिश को चलते हुए उसने छैलू का और सचिन दोनों का हत्या इसमें किया था। घटना में प्रयुक्त बांका इसमें बरामद हुआ है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। महमूदाबाद